ग्राम तोड़ी में आज दीपक परमार पिता चंद्र सिंह परमार बलाई की बारात पहली बार गांव में बड़ी ही धूमधाम के साथ निकाली गई एवं गांव में स्थित राम भगवान के दर्शन पुलिस सुरक्षा में कराए गए। शिप्रा थाना प्रभारी मोहन सिंह जाट एवं थाने का पुलिस बल पूरी बारात की शुरुआत से ही गांव में सक्रिय थे। वहीं बारात में कोई विवाद न हो इसलिए थाना प्रभारी ने कल गांव में शांति समिति मीटिंग बुलाई जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच में समझौता कराया गया और कहा कि निर्विघ्न रूप से दलित की बारात निकाली जाए एवं मंदिर में दर्शन कराए जाएं। वहीं शांति समिति के लिए गांव में 5-5 लोगों की टीम बनाई गई थी। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के सभी पदाधिकारी इस बारात में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार एवं लता मालवीय के नेतृत्व में काफी सक्रिय नजर आए। गौरतलब है कि गांव में फैले ग्रामीण अंचल में फैले जातिवाद एवं भेदभाव को दूर करने हेतु महासंघ एवं उसके सभी पदाधिकारी सदैव प्रयासरत रहते हैं। इसी कड़ी में आज ग्राम तोड़ी की बारात भी ऐतिहासिक रही, वह इसलिए क्योंकि पहली बार गांव में दलित की बारात निकाली गई, साथ ही पहली बार दलित दूल्हे ने गांव में स्थित राम मंदिर में भगवान के दर्शन किए। सकुशल एवं सुरक्षित बारात निकलने पर बलाई समाज के लोगों ने इंदौर पुलिस प्रशासन एवं SSP रुचि वर्धन मिश्र का आभार व्यक्त किया। आज के लिए तो इंदौर पुलिस प्रशासन और विशेष रूप से हमारी SSP महोदय रुचि मैडम का बहुत बहुत आभारी हूँ। बलाई समाज के लिए कृतज्ञ है, आभारी है कि आज एक दलित दूल्हे की बारात सम्मान पूर्वक यहाँ पर आपके समक्ष निकाली गई और भगवान श्री राम के दर्शन करे। दलित दूल्हे ने वर्ण व्यवस्था का आदिकाल से जो छुआछूत अस्पृश्यता का जो माहौल है उसके जो विकृत मानसिकता दलित मानसिकता यहाँ के गाँव में कुछ लोगों के कारण एक समाज बदनाम हो जाता है। ऐसी विकृत मानसिकता नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान सर्वमय है, सर्वव्याप्त है, भगवान सभी का है और सभी इस लोकतांत्रिक देश में हमारा भारत देश जो है लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर विभिन्न पंथ संप्रदाय जाति के लोग रहते हैं। सभी को अपने उत्सव अपने त्यौहार और अपनी खुशी बनाने का पूरा हक बनता है। संविधान के अंदर जितनी भी अनुच्छेद के अंदर जितनी भी धाराएँ होती है जो भी है तो उसके अंदर समान अधिकार और समान रूप से उनका जीवन यापन और समान रूप से उत्साह होना चाहिए। इस हेतु हमने जो है कल SSP महोदय से निवेदन किया था कि एक दलित दूल्हे की बारात है पुलिस सुरक्षा में यदि निकाली जाए क्योंकि चूंकि पिछली बार इसी जगह यहाँ राम मंदिर के दर्शन भी करने दिए गए थे और पिछली बार इसी जगह दूल्हे को तलवार से मारने का प्रयास किया गया था तो कुछ विकृत मानसिकता के कारण गाँव की बदनामी होती है, धर्म का ह्रास होता है, समाज का ह्रास होता है जिसके कारण हमारा समाज हमारा देश और हमारे लोग हमारा प्रदेश पिछड़ रहा है। तो ऐसी कुंठित मानसिकताओं के कारण हम अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में ग्रामीण अंचलों में फैले जातिवाद और छुआछूत को दूर करने के लिए काम करते हैं और आज ये उसी का एक अध्याय है जो आपके नेतृत्व में आपके सानिध्य में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है और आप सब बंधुओं के सानिध्य में आज ये दलित दूल्हे की बारात संपन्न हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के द्वारा ये प्रथा कायम रहेगी कि भगवान राम किसी एक जाति किसी एक पंथ किसी एक संप्रदाय के नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वह इस ब्रह्मांड के रचयिता, इस संसार के रचयिता, इस सृष्टि के रचयिता, इसलिए वह प्रत्येक प्राणी में मौजूद है, प्रत्येक जीव में मौजूद है, उसका सम्मान उसका आदर और उस राम की आराधना साधना करने का हक सभी व्यक्तियों को है, वो किसी भी वर्ग का हो किसी भी जाति का हो। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज परमार, अखिल भारतीय बलाई महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। ठीक है।